लीग हो गए आने के लिए आप दूर दराज से अपने साधनों पर चल के आए, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। के मुतालिक मुझे कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं, उनके जीवन चरित्र से आप सारे बखूबी वाकिफ। मेरे पिता के नाते नहीं, उनके किए हुए कुछ कामों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। साथियों, मुझे दुनिया के लगभग 162 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है और मैंने बारीकी से उन देशों का आर्थिक, सामाजिक और प्रगतिशील कार्यक्रमों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। अफ्रीका से प्रेसिडेंट के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं देखा जिन्होंने उच्च पदों का त्याग किया। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बहुत प्रधानमंत्री बनाए, ये आपके सामने है, मुझे बताएं कि आप पक्का नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके एक मिसाल कायम की थी या नहीं की? कोई ऐसी मिसाल विश्व के सतर पर आपको नहीं मिली। इच्छा थी इस देश का हर कार्य संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो और आम आगे की मूलभूत जरूरियात जो हमने उनके कार्यकलाप देखे, इनके वायदे भी पढ़े, लेकिन किसी ने भी सरकार बनने के बाद लोगों के इतिहास किए गए वायदों की एक भी पूरा नहीं किया। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल मात्र खेती पर टिकी हुई है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात तो सभी बात कर सकती है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा हम आपका कर्जा माफ करेंगे, हम सिस्टम ऐसा बना देंगे कि आपको कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं, आप कर्जा देने वालों में हो। आपके आमदन को बढ़ावा देने के लिए हम बिजली और पानी का समुचित प्रबंध करें, समय से अच्छी खाद और कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराएं और सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन भी मिले। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब के किसान की सरसों और गेहूं मंडियों में होती ठीक नहीं होती। केंद्र की सरकार ने भाव तो तय किए लेकिन आपका उत्पादन खरीदा नहीं। अतीत में हमारे एक बार सरकार बनी थी और उस वक्त केंद्र की सरकार ने बाजरे के मूल्य निर्धारित किए थे। हरियाणा ज्यादातर मालूम रहा है, ग्वार बाजरे की ज्यादा फसल होती है,
जिनको ये सरकार का आपका मामला खरीदा है, हमने प्रदेश सरकार की तरफ से किसान का एक ही दाना बाजरे का, चाहे वो राजस्थान का था, चाहे पंजाब का था, चाहे यूपी का था, चाहे दिल्ली का था, चाहे मध्य प्रदेश और गुजरात का था, हरियाणा प्रदेश की मंडियों में दुबारा आया, उसका एक एक दाना हमने सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य खरीदा। तीन सौ छब्बीस किलो का नुकसान, तीन सौ छब्बीस किलो का सरकार को नुकसान प्रदान कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो संभव नहीं है। सरकार बनाना आपकी जिम्मेवारी, और सरकार बनने के बाद हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। उसके माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उस युवक का नुकसान नहीं होने देंगे, हम उसको बेरोजगारी खत्म करेंगे। बात को रोड करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, युवाओं को सुविधाएं प्रदान करेंगे। माताएं मैंने बैठी हुई है, मैं आपसे वायदा कराऊंगा, अपने तो सबको जाके कहें कि हम वायदा नहीं करेंगे तब से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हम जो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची छाया देंगे। युवाओं में देश के नाम आपको जिनको संभालना है, हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि उनका भविष्य उज्जवल बन सके, उनको भी उनकी संख्या के मुताबिक टिकते हैं। विनम्र निवेदन आपसे करूंगा, सरकार बनाना आपका काम, आपके रोज सरकार बनेगी, मेरा भाव आपको हमारी पार्टी की नीति पर भरोसा है, विश्वास है। इतनी शक्ति को रहने के कारण आपने दबा देना, सरकार बनने के बाद आपको सारी सुविधाएं प्रदान करना।